वेलकम टू सुमित हल्दर टेक सपोर्ट चैनल। मैं हूं सुमित और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 5 ऐप्स जो बच्चों लोगों को बहुत ही मज़ा देने वाला है। और आपके साथ अगर बच्चे रहते हैं या फिर आपके घर में आते जाते हैं, आपके मोबाइल आता भी करते हैं, तो बच्चों के लिए ये एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा। और इससे भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर मेरे हिसाब से मैंने ये 5 एप्लीकेशन बच्चों के ऊपर टेस्ट किया है, वो लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। करीब 3-4 साल के बच्चे का पसंद ये 5 ऐप्स रहेगा तो रहेगा, ज़रूर रहेगा। तो चलिए इस एप्लीकेशंस को एक के बाद एक देखते हैं और पता करते हैं सारी डिटेल्स क्या है और कैसे। पहला एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। एक में फ्लेम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक इस तरह का नाम है इसका। और यहाँ पर फायर अप्लाई किया जा सकता है स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिक अप्लाई किया जा सकता है, ब्रोकन स्क्रीन भी अप्लाई किया जा सकता है। एक ही ऐप में 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, दोनों टाइप का ब्रोकन स्क्रीन दिया जाएगा। चलो एक के बाद एक दिखाता हूँ। ये रहा, मैंने इसको ऑन किया तो ये डिस्प्ले ऑन हो गया है। डिस्प्ले के अंदर ही मैं जब भी बच्चे लोग या फिर बच्चे के हाथ में दोगे तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पर कोई भी बटन शो नहीं करेगा जब तक कि आप पावर बटन को ऑन ना करो, टच ना करो। ओके, तो यहाँ पर आग लग जाएगा फ़ोन पे, ऐसा ही कुछ फ्लैश में दिया गया है। और इसको बंद करने के लिए आपको दिया गया है ये बटन। बैक करने के बाद आप फिर से कोई अदर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो इससे साउंड भी होता है, ये रहा दूसरा ऑप्शन। और यहाँ पर कुछ ब्रोकन स्क्रीन जैसा और भी तीसरा है। ये ब्रोकन स्क्रीन किसी को दोगे तो वो घबरा जाएगा कि आप मेरा मोबाइल टूट गया है ऐसा ही। तो ये बच्चे लोगों के लिए है, बड़े लोग आसानी से पकड़ पाएंगे शायद, क्योंकि यहाँ पर ऐप का जो डिज़ाइन है, यहाँ पर फिनिशिंग है, वो बहुत ही कमाल का है। स्क्रीन के ऊपर ऐसा साइन दे देता है तो कोई भी बुद्धू बन भी सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये ऐप्स, और बच्चों को भी अच्छा लगता है, बार बार मुझसे लेकर खेलते हैं। और याद रखना ऐसे ही रहने वाला है ये एप्लीकेशन ब्रोकन स्क्रीन के ऊपर, आप जब तक पावर बटन को ऑन ना करके इसे बैक करोगे, इसे बंद करोगे। तो ये बंद करने के पहले ये सेम टू सेम ही रहेगा। और फायर सिलेक्शन जो एप्लीकेशन है ये ऊपर से नोटिफिकेशन के तौर पर आता है, तब आप वहीं से ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर जो ये ऐप मैंने बच्चों को दिखाया था, वो लोग बहुत ही खुश थे और मज़े से खेल रहे थे और सोच रहे थे कि पहले ये हुआ आग लग गया है या फिर बाद में ये इलेक्ट्रिक, यानी सच में इलेक्ट्रिक दे रहा है ऐसे ही। इनको तो पता नहीं होता पर मज़े से खेलते हैं, आजकल के स्मार्ट बच्चे हैं ना, मोबाइल से ज़रूर खेलेंगे। और वो ये एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा। और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन के बारे में कहने वाला हूँ, ये भी एक फन टाइप का एप्लीकेशन है, कई सारे लोग इस टाइप के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, पर ये है iDrink एप्लीकेशन। ये नॉर्मल ड्रिंकिंग का डुप्लीकेट वर्जन है, यानी आप अगर ड्रिंक करते हो कुछ जूस वगैरह या फिर सिरप वगैरह, तो तब जाके आपको यानी स्मार्टफोन पे ड्रिंकिंग का ऑप्शन मिलता है ये एप्लीकेशन के ज़रिए से। तो यहाँ पर ऐसा ही ऑन हो जाता है, यहाँ पर प्ले बटन को प्ले करते हुए यहाँ पर कई सारे ड्रिंक्स का पिक्चर दिया गया है, आप चूज कर सकते हो। मैंने ये चूज किया तो ये भर जाता है। और ये ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर सिर्फ आपको ऐड करना पड़ता है कुछ चीज़ें, नींबू पानी जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बर्फ भी ऐड कर सकते हो तो ये ठंड हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है ये एप्लीकेशन। खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को शायद ये भी अच्छा लगा। और यहाँ पर लिखा गया है शेक करने के बाद ये फिर से ये ऑन हो जाता है और यहाँ पर ऐसे भर जाता है। आपका अगर मोबाइल का ऑप्शन ठीक तरीके से काम कर रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर ऑप्शन शेक के वक्त मेरा जैसे पीछे वाला बैकलाइट ऑन हो जाता है तभी जाके प्रॉब्लम आ जाता है, तो कोई बात नहीं है।
ये रहा दूसरा एप्लीकेशन, आपको शायद बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बच्चे लोग इससे बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है वो लोग ड्रिंक करना तो पसंद करते हैं पर ड्रिंक नहीं कर पाते हैं, और मोबाइल से इस तरह से लोगों को बुद्धू बनाने के लिए कुछ काम वाम करते रहते हैं हमेशा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में जाता हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ब्रोकन स्क्रीन, जो ब्रोकन स्क्रीन मैंने पहले भी दिखाया था, पर ये ब्रोकन स्क्रीन जो एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन को ऑन करते ही क्या होता है दिखा रहा हूँ। ये प्रैंक टाइप का है, सभी एप्लीकेशन प्रैंक टाइप का है, सच में तो नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, फायर स्क्रीन कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्रैक स्क्रीन कर सकते हो। क्रैक स्क्रीन मतलब इस टाइप का, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, आप चूज करके कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। इस तरह टाइप का क्रैक हो सकता है, इस टाइप का कुछ भी, इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। चलो इसे चूज करते हैं, प्ले करते हैं, टच करते हो, ओह कोई भी सोचेगा मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया है, डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम, डिस्प्ले का प्रॉब्लम चल रहा है उसके वजह से हाथ नहीं देगा। तो ये फिर से मैं कहता हूँ, ये बैक बटन दबाने से काम नहीं करेगा। इसको या फिर ऊपर से ये नोटिफिकेशन को हटना पड़ेगा। तो प्रैंक का जो एप्लीकेशन है ऊपर से मैंने नोटिफिकेशन से ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय स्क्रीन है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिया गया है, आपको दिया जाता है बच्चे लोगों को, बच्चे के लिए। तो यहाँ पर गन है, हथौड़ा है, और यहाँ पर क्या क्या है देखा, नाइफ है, और एक गन है, उल्वरिंग का ब्लेड्स भी दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर फायर गन है। तो चलो जैसे ही शुरू करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, इससे हम स्क्रीन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये कैसे होता है, बस कर ले भाई। हाँ ये देखो, कोई भी एप्लीकेशन आप इससे चालू नहीं कर सकते, एप्लीकेशन भी सेफ रहता है। मेरा स्क्रीन तो खतरनाक दिख रहा है भाई। तो ये एप्लीकेशन मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी कभी कभी प्ले कर लेता हूँ। तो ये फिर से बैक करने के बाद आप ऑप्शन चूज करके हथौड़ा पीट सकते हो अपने स्क्रीन पर। तो फिर से मैं कुछ गान वाला ट्राई करता हूँ। तो सेकंड एप्लीकेशन आप लोगों को शायद बहुत ही अच्छा लगा होगा, थर्ड एप्लीकेशन। और मैं और दोनों एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, और दोनों एप्लीकेशन के अंदर कुछ है प्रिटी जैसा, बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे लड़कियों के लिए यानी जो किड्स है उनके अंदर जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है माउस रैट, आपके स्क्रीन पर कई सारे एप्लीकेशन है यानी इस टाइप का सांप है, जैसे ये अपन स्नेक का एडवर्टाइज दे रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैंने माउस को चूज़ किया क्योंकि वो खतरनाक नहीं दिखता और बच्चे लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं, डर जाते हैं तो उसका मायने अलग हो जाता है। ये माउस आ गया है ऑन स्क्रीन पर, ये देखो। ये हमेशा रहता जाएगा जब तक आप ऑन स्क्रीन से इसे एग्जिट नहीं करते हो, ये हमेशा चलता जाएगा। तो ये सारे एप्लीकेशन फ़न के लिए है, मोबाइल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता और बहुत ही कम रैम लगता है। आप इसे जब कभी भी कोई भी मोबाइल पे ट्राई कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए या फिर खुद के लिए एंजॉय करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो, किसी को बुद्धू बनाने के लिए, ऐसे प्रैंक ऐप है सभी है। और नेक्स्ट जो ऐप के बारे में बात करूँगा ये है, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने बताया वर्चुअल लाइटर है। वर्चुअल लाइटर कैसे काम करता है, ये आपका स्मार्टफोन में वर्चुअल लाइटर का एप्लीकेशन ऑन करने के लिए बता दिया मैंने। यहाँ पर ऐड आ गया है, डॉक्टर खुद ऐड दे रहा है। तो यहाँ पर लाइट अप में क्लिक करना पड़ेगा, आ जा, हाँ यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लेटर कर देता हूँ। तो ये रहा लाइटर आ गया है मेरे पास, और इसे ड्रैग करके VS ओपन करना पड़ेगा, ओपन हो गया है। और यहाँ से ऑन कर दीजिए, देखिए लाइट आ गया है, और इसे मैं अगर बंद करता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो जाता है। ऐसा ही है ये एप्लीकेशन, अब बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये 5 ऐप्स शायद आपने देख चुके होंगे, और लाइटर बहुत ही आसानी से ऑन भी हो रहा है, और
इस टाइप का ऐप को अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे दूंगा कुछ ही घंटों में, और आप लोगों को लिंक मिल जाते ही आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, यानी एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, आप प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और होप आपको ये वीडियो में पाँचों ऐप, पाँचों के पाँचों ही बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगा तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए, और बच्चों के लिए अगर अच्छे लगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मुझे, मैंने टेस्ट किया है पर्सनली, उसी के लिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया, और बच्चे लोग बहुत ही पसंद करते हैं इस एप्लीकेशन को। और बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं धीरे धीरे बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ आप लोगों से मुलाकात भी होता रहेगा। तो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं रोजाना टेक्निकल वीडियोस लाता रहूंगा, और आप लोगों के लिए नए नए टेक वीडियो के साथ कुछ धमाकेदार ऐसे पटकेदार कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी कह डालूंगा। और यहाँ पर नए नए वीडियोस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को हिट कर लो। गुड बाय एंड जय हिंद।